विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर फीकस सिर्फ। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। सबका आदाब, आज कमिश्नर ट्रांसपोर्ट साउथ जोन और भवन नगर पुलिस मिलके एक क्राइम नंबर 224/22 भवन नगर पीएस मर्डर केस को अक्यूज्ड है, उनको पकड़ा था। अक्यूज का नाम है सुलेमान खान और अब्दुल हमीद खान। एक्चुअली ये इसमें जो डिसीज है, डिसीज का नाम अनस है, उसका इसके ऊपर इन लोग ने 19 तारीख दिसंबर इस महीने 19 तारीख को शाम को अटैक किया था। एक्चुअली इन लोग का मोटिव क्या है, मोटिव है कि इसका मार्च के मंथ में इनका दोस्त जो अक्यूज दोनों का है, उनका दोस्त जुनैद अली का घर में एक लेडी रहती थी, तो उसमें एक रेंटल डिस्प्यूट था, तो रेंटल डिस्प्यूट लेके लेडी सुलझाने के लिए आजम कॉर्पोरेट के पास गए, तो वहाँ पे जो बात हुई, डिस्कशन हुआ और थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट होने की वजह से वहाँ से इन लोग सभी लोग निकल गए और इन लोग जो डिसीज्ड है जुनैद सुलेमान और हमीद, अक्यूज्ड है जुनैद सुलेमान और हमीद, तीनों आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया कि उन लोग के ऊपर जो भी मिसबिहेव किया गया। तो फ्रॉम दैट डे की उस दिन से इन लोग ने एक ग्रज या गुस्सा डेवलप करके रखा इन लोग के प्रति, अनस के प्रति, कि इन्हीं लोग ने इनके साथ मिसबिहेव किया सोच के। और जिस दिन इंसिडेंट हुआ 19 तारीख को, उस दिन शाम को दोपहर के टाइम पे मी सेवा के पे भी लोग से अनस अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उसी टाइम सुलेमान भी वहाँ पे अपना लोन अप्लाई करने आए थे, तो वहाँ पे भी थोड़ा फेस ऑफ हुआ। उसके बाद उस गुस्से में सुलेमान जाके हमीद जो उनका रिलेटिव है उनके पास गया और बोला कि इन लोग से ये कंटिन्यूस हो रहे, तो उन लोग कुछ अटैक करने के लिए सोच के इन लोग ने वेपन्स लिया, चाकू और नई पेपर कटिंग नाइफ भी लेके ये अनस के लिए ढूंढते गए। तो अनस बाबा ललता बाग पे मिली थी, कुमरवाड़ी पे था, कुमरवाड़ी पे ये बाहर था, तो रोड पे वहाँ पे बात करते वक्त सुलेमान उससे अब्दुल हमीद खान जो है हमीद जो है अनस से आर्ग्यू कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, और उसी टाइम पे सुलेमान पीछे से आके उसके नेक के नीचे के पार्ट में नाइफ से अटैक किया, उसकी वजह से वो तुरंत वो ब्लड बहुत ज़्यादा आया और उसी ब्लड के लिए इंफॉर्मेशन आए, तो टास्क फोर्स कमिश्नर टास्क फोर्स का थाउजेंड और हमारे भवन नगर पुलिस उनको सुबह तो पकड़ा था और उनसे नाइफ और मोबाइल फोन जिससे कम्युनिकेशन कर रहा था और टू व्हीलर व्हीकल है तीनों चीज भी सीज किया गया। ये सारी ऑपरेशन जो है हमारा टास्क फोर्स साउथ जोन की DCP चक्रवर्ती की निगरानी पे हुआ और उनमें श्रीनिवास रेड्डी ACP संतोष नगर डिवीजन और राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स, अमजद इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भवानी नगर पुलिस स्टेशन और SS नरसिमुलु श्रीशैलम नरेंद्र शेख बुरान और बाकी टास्क फोर्स का टीम और भवानी नगर पुलिस इस ऑपरेशन सक्सेस होने में पार्ट लिया था। एक क्वेश्चन बोलेंगे तो प्रीवियस हिस्ट्री ये लोग पार्टी ऑफिस के जाके कैसा अटैक करते थे, बिल्कुल नहीं है प्रॉपर्टी ऑफिस के नहीं, बाहर हुआ रोड पे हुआ अटैक। वो लोग चुप गए थे, उन लोग को हम लोग इन्फॉर्मेशन लगा के प्रॉपर एविडेंस के साथ उन लोग पहले कंफर्म किया, यही है हमारे पास मेटीरियल एविडेंस जो है, उससे पहले कंफर्म करना पड़ा, कंफर्म करके उसको पकड़ा। नहीं नहीं जो जो है वही है इन्वेस्टिगेशन नहीं दो लोगों। थैंक यू।